तो जिस ऑफिशियल तस्वीर का लोग इंतजार कर रहे थे आखिरकार वो सामने आ ही गई है। जी हाँ, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अक्सर अपनी शादी की बात को लेकर चर्चा में रहते हैं। हर किसी को बस इसी बात का इंतजार है कि आखिर सलमान खान कब शादी करेंगे। कई बार अलग अलग अभिनेत्रियों के साथ उनका नाम जुड़ा है, लेकिन उन्होंने अपनी शादी को लेकर कभी कोई बयान नहीं दिया। हालांकि अब एक बार फिर से अटकलें लगाई जा रही हैं कि सलमान खान जल्द शादी कर सकते हैं। इस बार उनका नाम हॉलीवुड एक्ट्रेस समांथा लॉकवुड के साथ जोड़ा गया है। हालांकि इस बारे में सलमान और समांथा दोनों ने ही कुछ नहीं कहा है। जी हाँ, लेकिन अब जो सामने आया है उसे देखकर लग रहा है कि समांथा लॉकवुड और सलमान खान के बीच कुछ चल रहा है। आगे का वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल NN बॉलीवुड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। जी हाँ, समांथा लॉकवुड पिछले दिनों सलमान खान की बर्थडे पार्टी पर नजर आई थी और इसके बाद समांथा सलमान के घर पहुंची थी और उनके घर वालों से मुलाकात भी की थी और समांथा ने सलीम खान के साथ तस्वीर भी शेयर की और फिर उसे डिलीट भी कर दिया कि उनके रिश्ते का खुलासा इतनी जल्दी ना हो जाए। कुछ देर पहले ही समांथा ने सलमान के साथ ये तस्वीर शेयर कर पूरे बॉलीवुड में हंगामा मचा दिया था, जो तस्वीर अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीर में दोनों की बीच की नजदीकियां बता रही हैं कि कुछ तो है जो दोनों के बीच बहुत खास हो रहा है। आपको बता दें कि समांथा एक इंटरव्यू में सलमान को नेक दिल इंसान बता चुकी है और इन दिनों उनके मुंबई में खूब चक्कर लग रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि समांथा बॉलीवुड में कोई प्रोजेक्ट ढूंढ रही है और इस प्रोजेक्ट में सलमान खान उनकी मदद कर रहे हैं। पर सलमान ने पिछले दिनों बिग बॉस के मंच पर यह खुद कहा था कि वो अब सिंगल नहीं है और ये बात सलमान के समांथा से मुलाकात करने की बात हुई है। तो ये क्या वाकई में सलमान और समांथा के बीच रिश्ता शुरू हो गया है? और इस तस्वीर में भी सलमान और समांथा की नजदीकियां बहुत कुछ बयां करती है। बल आपका क्या सोचना है इस तस्वीर को लेकर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।